मुर्गा दारू पर जो है बिक रहे हैं, कोई साड़ी पर बिक रहे हैं, कोई गेहूं पर बिक रहे हैं, कोई चावल पर बिक रहा है, मैं वो चीज़ नहीं दे सकता हूं। मैं वैसे लोगों तक छोटे मोटे दलाल है, हर वार्ड में है, मैं उसे उखाड़ फेंकने का काम करूंगा, चाहे इसके लिए मेरी जान चली जाए। या धनकोल पंचायत में गवाह है राम सागर चौधरी आलापुर, जो गरीबों की हक की लड़ाई लड़े थे और वो शहीद हो गए। आज उनका आप देख रहे हैं ब्रिटेन बिहार में, आपके साथ हूँ सोनू कुमार सिंह। मैं भी बेगूसराय में है और बेगूसराय का ये तेघरा प्रखंड क्षेत्र पड़ता है और तेघरा प्रखंड क्षेत्र में होना है लास्ट चरणों में मतदान। तो यहाँ पे मतदान को लेकर के NRC अभी कट रहे हैं, नाजीर कट रही है प्रखंड क्षेत्र में, जिला पार्षद का हो या पंचायती समिति, पंचायत समिति राज का हो या पंचायत सरकार का हो, सभी का NR कट रही है। आगामी 6 दिनों में नॉमिनेशन भी आरंभ हो जाएगी, उसके बाद सभी लोग क्षेत्र में वोट मांगना आरंभ कर देंगे, उसके बाद मतदान होने यानी लास्ट चरणों में। तो मेरे साथ अभी हम जहां पर मौजूद हैं, जहां पर अभी हम खड़े हैं, ये सार्वजनिक जगह है, स्कूल है, यहीं पर हम खड़े हैं, ये पड़ता है धनकौल पंचायत में। तो मेरे साथ मुखिया प्रत्याशी हैं, इनसे वार्तालाप करते हैं कि आप बहुत बताया जा रहा है कि इससे पहले भी 2-3 बार इस ग्राम पंचायत चुनाव में आ चुके हैं लेकिन अव्वल रैंक नहीं ले पाए, आखिर वजह क्या है और क्या दिखाने का जज्बा रख रहे हैं क्षेत्र के लोगों के लिए, आखिर इनको जनता क्यों अपना एक एक बहुमूल्य मतदान करे। तो सबसे पहले इनसे वार्तालाप करते हैं, इनका धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले आप पंचायती राज में आ रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद है, स्वागत है। सबसे पहले सोनू जी आपको धन्यवाद, साथ साथ आपके बीटी न्यूज को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप एक मीडिया के माध्यम से लोगों की बात एक से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे धनकोल पंचायत में आए, काफ़ी आभार व्यक्त करता हूं आपका। चलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मेरे जितने भी दर्शक देख रहे हैं आपको, आपके पंचायत के हो या अलग पंचायत के लोग हो या बिहार के लोग हो, आपको देख रहे हैं, वो लोग जानना चाह रहे हैं कि इसी बार से आप आए हैं क्षेत्रों में या इससे पहले भी आए थे? नहीं नहीं, ये धनकोल पंचायत की जहाँ तक अभी 11 वार्ड थी 2016 तक, ये 2021 में जो है 6 वार्ड प्लस हो चुका है, जो आता है आपको फुलवरिया 3 के 6 वार्ड धनकुल पंचायत में इंक्लूड हो गई है। अब ये हम लोग का थोड़ा सा एक विस्तृत पंचायत हो गया है और थोड़ा सा कहा जाए तो आम बहुत सारे प्रतिनिधि को दिक्कत सामना करना पड़ता है, क्योंकि 6 वार्ड प्लस होना, जहाँ से हम लोग जान पहचान का अभिन्न है आप, तो ये थोड़ा सा परेशानी है। 17 वार्ड का चुनाव है और हम लोग लड़ रहे हैं 2011 से चुनाव लड़ रहे हैं, ये पहली बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। बहुत सारे प्रत्याशी आए जो हार का सामना करना पड़ा और बाहर चले गए, चाहे जिस मुद्दा के लिए आए हो, चाहे स्वार्थ के लिए आए हो कि जनता के लिए आए हो, लेकिन वो आउट हो गए। अब मात्र हम लोग बने हुए हैं और बने रहेंगे। 2011 में समिति का चुनाव लड़े थे, मात्र 45 वोटों से हारे थे हम। 2016 में मुखिया का चुनाव लड़े जिसमें थोड़ा सा अंतर से हार हुई थी, और फिर भी हम लोग जो है रखे मजबूत कि नहीं, इरादा है कि जनता की सेवा करने का, और जनता का सेवा हर कीमत पर करेंगे, चाहे इसके लिए हमको 21 में तो खड़े 20 भी जाना पड़ेगा, 31 भी जाना पड़ेगा, जब तक जिंदगी अपनी शरीर रहेगी ताकत तब तक जनता की हक के लिए लड़ाई लड़ूंगा। आखिर आपसे क्या अचूक हो गई थी जिसके कारण आपको अचूक होना पड़ा? देखिए, सबसे पहले जनता को विश्वास करना पड़ेगा। अभी एक से एक धरोहर लोग हैं हमारे धनकोल पंचायत में, और खास करके हम में जो कमी क्या है कि लोग थोड़ा सा विश्वास, एक सर्फ आया था जो सर्फ का नाम मुझे याद नहीं, कहता कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, तो इस विश्वास हम पर लोग कैसे करेंगे? जब तक हम जीतेंगे नहीं चुनाव, जनता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, लोग समझते कि नहीं ये तो बन्हारा घर है, धनकोल घर है, ये उतना वोट नहीं ला पाएगा। लोगों को यही मुद्दा हुआ था पहली बार 2011 में, जब हम 45 वोटों से हारे थे, तब जनता का कहना हुआ कि हमको नहीं लगा कि आप इतना वोट ले पाइएगा, नहीं तो हम लोग आपको वोट दे देते। तो यही विश्वास एक बार जनता करे कि नहीं हम चुनाव को जीतेंगे, मतदाता की आशीर्वाद होती है, जीतेंगे तो बिल्कुल अच्छे से अच्छे काम करेंगे। मैं पहले वादा नहीं करूंगा, वादा तो लोग वो करते हैं जो झूठा होते हैं, मैं पहले वादा नहीं कर रहा हूं, और एक बार आशीर्वाद चाहता हूं, आशीर्वाद दे और मैं खड़ा रहूंगा। क्यों आपको आशीर्वाद दे? जो भी प्रत्याशी आपके विपक्ष में खड़े हैं वो लोग भी अपना हक मांग रहे हैं, वो भी आशीर्वाद मांग रहे हैं और आप भी आशीर्वाद मांग रहे हैं, तो क्यों आप ही को मतदान क्यों करे जनता, उन लोगों को क्यों न करे? क्या आप कर दिखाने जज्बा रख रहे हैं क्षेत्र के लोगों के लिए? सबसे पहले तो मैं धनकोल पंचायत के मतदाता जितने हैं मैं उनका स्वागत करूँगा और कि एक बार मुझे विश्वास करे। अभी खास करके 8 प्रत्याशी हमारे धनकोल पंचायत में हैं, जिसमें से मतदाता जान रहे हैं कि किस प्रकार की छवि के लोग हैं, लोग
और ये और लोग जहाँ जहाँ तहाँ चर्चा भी हो रही कि एक चुनचुन है जो माला देवी कैंडिडेट प्रतिनिधि है, प्रत्याशी के प्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो बिल्कुल नाखून भर भी दाग नहीं हम पर है। अगर हमसे अच्छा प्रत्याशी कोई है, अगर बेदाग है, तो मैं धनकोल पंचायत के तमाम जनता से कहना चाहूँगा बेटी न्यूज़ के माध्यम से कि उनको आशीर्वाद दें और कोई भी बने, हम बने चाहे कोई बने, जिन पर विश्वास मतदाता करेंगे वो अगले पंचवर्षीय में अच्छा से अच्छा काम करें। जनता जनता हर एक साल हर एक बार प्रत्याशी आ करके जनता को अपना एक एक वोट ले लेते हैं, मांग लेते हैं, कहते हैं विश्वास हम पे कीजिए, भरोसा हम पर कीजिए, हम आपको ये करवा देंगे वो करवा, बहुत सारा दिलासा देते हैं, लेकिन उनको देखना पड़ता है भ्रष्टाचार का केंद्र बनाते हैं पंचायत को, भ्रष्टाचार से लिप्त संलिप्त पंचायत को बनाते हैं। क्या आप पर भी भरोसा करें, आप पर भी विश्वास करके एक एक अपना मतदान दे, तो यही दिन देखना पड़ेगा या इससे अलग देखना पड़ेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल जीवन में कभी नहीं होगा। और मैं समाज से जुड़ा लोग हूँ और मैं खेल कूद से भी जुड़ा रहता हूँ, कला संस्कृति से भी जुड़ा रहता हूँ। चलिए, तो जनता लोग देख रहे हैं आपके पंचायत के हो या अदर पंचायत के, उन लोगों को क्या मैसेज देंगे, क्या संदेश करके, क्योंकि युवा लोग भी होंगे जो आप, क्योंकि आप खेल से रुचि रख रहे हैं, तो उन लोगों को क्या आप एक एक मतदान देते हैं, तो जीतने के बाद उन लोगों को क्या दीजिएगा और जनता को क्या दीजिएगा? मैं जनता को देने के लिए कुछ नहीं है, मैं कुछ कौन हूँ तो हूँ देने वाला, मुझे क्या है जो मैं दूंगा, मैं तो जनता से आशीर्वाद मांगूंगा और उनका जो हक है वो मैं ला कर दूंगा, ये मेरा गारंटी। और युवा लोग के लिए, युवा लोग जो आज एक ज़रूरत है खेल पर शिक्षा, जो आज एक बता देना चाहूँगा मैं आपके माध्यम से, जो बहुत बड़ी चीज़ है, आज चुनाव रहे या ना रहे, अगर हम रह गए बर्था, अगर हम रह गए जीवित रह गए, तो 4 जनवरी को या 4 फरवरी को, नहीं सॉरी 4 जनवरी या 12 जनवरी को मैं एक कंपटीशन इंस्टीट्यूट का मुफ्त में से लगा रहा हूँ, जो चलेगा यहाँ हमारे इलाके के बच्चों को, जो पढ़ लिख लेते हैं, आज मैट्रिक हो इंटर हो ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बावजूद भी बेकार हो जाते हैं, ठीक है, तो मैं उनके लिए भी रोजगार की व्यवस्था करूँगा। मैं प्रयास करूँगा कि जहाँ तक हो, अभी तक मैंने 5 लड़के को अभी जॉब लगा चुके हैं, 1 लड़की को भी जॉब लगा चुके, 6 आदमी को टोटल जॉब लगा है, और मैं चाहूँगा कि जितने भी लड़के हैं, कारण रोजगार में चले जाने के बाद गलत वही व्यक्ति करता है जो रोजगार में नहीं होते हैं, झूठ मूठ कर यहाँ 5 बैठना वहाँ 5 बैठना, यही लड़का लोग गलत कर बैठते हैं संगति के कारण। अगर अच्छा संगति मिलेगा तो, और शिक्षा जरूरी है हमारे जीवन में, अभी कह रहे थे कि इंस्टीट्यूट के बारे में, तो उस इंस्टीट्यूट में अभी बहुत सारे लोग गरीब हैं जिनके पास पैसा नहीं, पटना में जाके वो कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं, रेलवे की तैयारी करें, एसएससी की तैयारी करें, बैंकिंग की तैयारी करें, मैं उन वैसे व्यक्ति के लिए एक इंस्टीट्यूट का, क्योंकि मैं बीपीएससी कंप्लीट करना चाहता था लेकिन किसी कारणवश नहीं कर पाए, तो हमें नौकरी नहीं हुई, तो हम चाहते हैं कि मेरे माध्यम से कम 100 लोग नौकरी करें सरकारी, उसका घर खुश रहे, वो दिन समझ लेंगे कि हम भी सरकारी नौकरी पा लिए, यही मेरा लक्ष्य। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका। देखिए, मेरे साथ थे धनकौल पंचायत में हैं और धनकौल पंचायत के चुनचुन जी हैं जो माला देवी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मुखिया प्रत्याशी के रूप में, और उन्होंने एक ही लहजे में एक ही शब्दों में कह डाले पंचायत वासियों की कि मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, जो सरकार का फंड है वो हम ला करके जनता को देंगे, और ना कि मेरे पास है वो हम ला करके उनको देंगे, जो भी सरकार का फंड मेरे तक पहुँचेगा वो जनता के पास डायरेक्ट पहुँचाने का काम करेंगे, लेकिन जनता हमें एक बार अपना एक एक आशीर्वाद देने का काम करें, क्योंकि अभी अभी ही नहीं बल्कि से पहले भी पड़ते चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन अभी तक अव्वल रैंक नहीं ला चाहे व्यक्ति, चाहे जिस फंड में वो मैं खर्च करता हूँ, और कोई लोभ बस नहीं है। जहाँ तक बात आपका प्रश्न है कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं कैसे उन जनताओं तक पहुँचूंगा जो मुर्गा दारू पर जो है बिक रहे हैं, कोई साड़ी पर बिक रहे हैं, कोई गेहूं पर बिक रहे हैं, कोई चावल पर बिक रहा है, मैं वो चीज़ नहीं दे सकता हूं। मैं वैसे लोगों से कहना चाहता हूं, मुझे पहुंचने की दूर की बात है, मैं बीटी न्यूज माध्यम से कहना चाहूंगा कि मुझे वैसे लोगों की वोट की ज़रूरत नहीं है, मैं स्वार्थ के लिए नहीं आया हूँ, जो उसे मैं तेल लगाऊंगा वैसे वैसे लोगों को पैसा दूंगा। यदि आप आज मुर्गा 1,000 का खा लेंगे, 2,000 का शराब पी लेंगे, शराब तो बंदी है, सरकार की बंदी है, मैं उसके बारे में थोड़ा कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, मैं उनका समर्थन करता हूँ सरकार की कि जो अच्छा बात है शराब बंदी है, इससे हमारा समाज बिल्कुल कुछ सुधरेगा और सुधर रही है, मैं शराब बंदी के बारे में नहीं कहूँगा कि अच्छा बात है, तो ये मैं जरूर कहूँ, मैं वैसे लोगों को, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँ, वैसे लोगों को मुझे वोट नहीं चाहिए, मैं जब कुछ नहीं दूंगा तो ये विश्वास रखिए मैं कुछ लूंगा भी नहीं उनसे,
निस्वार्थ भाव से काम करूंगा, और जहां तक छोटे मोटे दलाल है हर वार्ड में है, मैं उसे उखाड़ फेंकने का काम करूंगा, चाहे इसके लिए मेरी जान चली जाए। या धनकोल पंचायत में गवाह है राम सागर चौधरी आलापुर, जो गरीबों की हक की लड़ाई लड़े थे और वो शहीद हो गए। आज उनका गेट भी बना हुआ आलापुर में है, मैं उन्हें सलाम करता हूँ। और मैं भी चाहता हूँ कि उनके जैसा मेरा भी अगर सेवा के लिए जान चला जाए, मैं जान देने के लिए तैयार हूँ। इतना दिन से सोशल वर्कर में, सामाजिक क्षेत्र में, तो आपके द्वारा कुछ पहल हुई है, जनता लोगों को कुछ भलाई हुई है, कुछ उनको मुआवजा या कुछ सहूलियत मिली है क्या? मैं ज़्यादा नेता बड़ा नेता नहीं हूँ, मैं तो बेटा हूँ पंचायत का, और मैं झूठ नहीं बोलना चाहूँगा। मैं जॉब में प्राइवेट जॉब करता हूँ, और प्राइवेट जॉब मैं 4 साल पहले जॉब पकड़ा हूँ और मैं अभी हूँ। तो अब मैं इसलिए यहाँ आना चाह रहा हूँ, मुझे उतना पैसा भी नहीं है कि ज़्यादा मदद कर सुन लो, लेकिन 6 महीना 8 महीना से, या मान चलिए 1 साल से, हमारा सामाजिक कुछ लग रहा है कि समाज को कुछ देना चाहिए। हम समाज मतलब वैसे व्यक्ति को जो गिरे हैं, व्यक्ति जिन्हें कुछ आशा है, मैं उन्हें कुछ देना चाहता हूँ। और जहाँ तक कि साल भर में है, मैंने एक आँख का शिविर लगाया था, जो ज्योति आई ज्योति हॉस्पिटल है, जो कि एक एनजीओ के माध्यम चलती है, मैं उनके माध्यम से शिविर लगाया था बनहरा स्कूल पे, जिसमें 35 लोगों का, ये अपने पंचायत का ही नहीं, अदर पंचायत के लोग भी इसका लाभ लिए। तो मैं यही किया हूँ, और ज़्यादा मैं कुछ अभी नहीं किया हूँ। हाँ, ब्लड डोनेट मैं एक बार किसी लोगों को, अनजान व्यक्ति को मैं ब्लड डोनेट किया हूँ 1 यूनिट, और अभी भी कहता हूँ मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, जिन व्यक्ति को चाहिए ब्लड, मैं 1 यूनिट 11-13 पॉइंट रहता है ब्लड शरीर में, मनुष्य के सम्मान में रहता है, और 11 के बाद यानी कि 2 यूनिट मैं 24 आवर्स में देने के लिए तैयार हूँ। मुझे लोग कॉल करे, नहीं पहुँचूँ तो बोले। क्षेत्र में चल रहे हैं तो कैसा लग रहा है? क्षेत्र में हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, इतनी ने भ्रष्ट है, इतनी ने दलाल है, जो मुझ में सट रहे हैं दलाल, सटेंगे नहीं, अच्छे लोगों के पास सटेंगे नहीं, जहां उनको लोभ है वहीं सटेंगे, लेकिन मैं लोगों को जागरूक कर रहा हूं। आज ही से नहीं, ये अभी पंचायत चुनाव का 1 महीना है, जो 12 दिसंबर को मतदान करेगी जनता, और मैं सितंबर से ही मीट कर रहा हूं एक दूसरे से, जनता से अपनी बात को रख रहा हूं कि मैं जीतूंगा तो क्या करूंगा, मैं अच्छा करूंगा, ज़्यादा कुछ जान नहीं ले रहा हूं, मैं यही कर रहा हूं कि अगर आप फिर भी अगर हमसे अच्छा कोई प्रत्याशी है तो आप उन्हें वोट करें। और हर बार लोग इसी में ठगा जाते हैं कि नहीं, ये कुछ लोग होता है जातीय समीकरण से चुनाव लड़ जाते हैं कि नहीं मेरा जात के लोग हैं, बहुत लोग कर देते हैं बैकवर्ड फॉरवर्ड कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों को मानसिकता होना चाहिए, एक हर वर्ग को जोड़कर, चाहे हिंदू हो कि मुस्लिम हो, चाहे आप हिंदू में भी बहुत सारे जाति हैं, लोग ये नहीं कहें कि छोटा है बड़ा, मैं सबको एक साथ लेकर चलूंगा, ये मेरा पूर्ण वादा है। विसंगतियाँ भी आ रही होगी क्षेत्रों में चल रहे होंगे, तो क्योंकि आपके विपक्षी हो या और जगह से, काफ़ी विसंगतियाँ का भी सामना करना पड़ता होगा, तो क्या उसके लिए क्या कर रहे हैं? बिल्कुल एक बहुत सारा परेशानी आ रहा है मेरे सामने में, लेकिन मैं ये पहले कह चुका हूँ कि राम सागर चौधरी आलापुर शहीद हो गए जनताओं के लिए, ये नहीं कि स्वार्थी लोग के लिए चले गए, और वो अमर है, आस्तम नाम ले रहे हैं उनका, जो कि सिपिया डील करते हैं, काफ़ी अच्छे नेता थे, हम लोग सुने हैं, हम उनको देखे नहीं हैं, मैं वही करूँगा। और जहाँ तक परेशानी, कुछ परेशानियाँ हैं जो आपके साथ अभी डील हम नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी परेशानियाँ हैं, प्रेशर है, बड़े बड़े स्टार हमारे हैं इसमें हैं, पंचायत में हैं, मैं उनके सामने यानी कि 8-8 लोग खड़े हैं, प्रत्याशी हैं, इसमें से मैं अपना मानता हूँ, जनता इस बात को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे, प्रत्याशी इस बात को मान रहे हैं कि नहीं, लेकिन मैं मान रहा हूँ पर्सनल कि वे लोग हाथी हैं और मैं चींटी हूँ, जो कभी भी मुझे मसल सकते हैं, इतने मेरे पास कुछ नहीं है, ना ताकत है ना पहुँच है। हाँ, जनता आज तक जो है कुछ ना किए, क्षेत्र में लोगों को नाम जरूर है कि चुन एक अच्छा आदमी है, लोग विश्वास करके जिनको जिताते, आज धनकोल पंचायत नहीं है, बिहार परिवर्तन की ओर जा रही है, और क्या वजह है कि 2021 में इतनी परिवर्तन मैंने कभी नहीं देखा जितना परिवर्तन 2021 में, तो कहीं ना कहीं 2016 में जो प्रत्याशी थे, चाहे वार्ड से लेकर जिला परिषद तक, कहीं ना कहीं बड़ा घोटाला किए हैं, चाहे इंदिरा आवास के माध्यम से हो, चाहे शौचालय के माध्यम से हो, नल जल से हो, इतनी भ्रष्टाचार चार्ज हुई है, इसी का परिणाम 2021 के चुनाव में देखने को मिल पा रहा है, जो ये हम लोग कतई नहीं करेंगे, ये मेरा पूर्ण अभी कुछ वादा नहीं करेंगे, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वादा वही करते हैं और बाद में वादा से मुकर जाते हैं, मैं पंचायत के कुछ ना, हाँ एक वादा जरूर करूँगा,
मैं दबे कुचले लोग हूँ। पंचायत से एक वादा जरूर करूँगा कि जनता का सबसे पहले सम्मान होने चाहिए। विकास तो दूर की बात है, सड़क विकास ठीक है, घर शौचालय बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है जनता का सम्मान करना कि जनता चाहे वो बिल्कुल निसहाय गरीब हो, चाहे बड़े आदमी हो, उनको पैसा वाले हो, तो उन आवाज़ सबका पहुंचना चाहिए मुखिया तक। यदि मेरे को अब हमको पता ही नहीं चलेगा, हम मुखिया हैं, हमको पता ही नहीं चलेगा कि जनता के पेट में दर्द है, तो उनका इलाज हम कैसे करेंगे? और जनता डर से वैसे वैसे व्यक्ति को चुन अगर लेते हैं तो उनकी आवाज़ वहां तक नहीं पहुंचेगी, और मेरे पास आवाज़ सबका पहुंचेगा ये पूरा पंचायत जान रही है। बता रहे हैं कि हम गरीब हैं, लाचार हैं, तो फिर ग्राम प्रधान का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? दूसरा बात कि आपके विपक्ष में भी खड़े होंगे जो काफ़ी पैसे वाले होंगे, जनता को एक एक रुपया देंगे, बहुत जो अभी बताया मुर्गा फलाना ठेकना जो उनको उन तक पहुंचाते हैं, लेकिन आप उन तक नहीं पहुंच पाइएगा। तो क्या लगता है कि आपको अगर जनता अगर वोट दे दे, मतदान दे दे कि अपना बहुमूल, क्या अपना ही पहले भरिएगा या जनता को भरिएगा? आप बता रहे हैं कि हम गरीब हैं। मैं ये कह रहा हूँ, हम लोग काम करके खाते हैं, सभी लोग जान रहे हैं कि मजदूरी करते तो अपना पेट भरते हैं, ठीक है। हम लोग ये कभी नहीं रखे हैं, अगर वैसा मजदूर ऐसा करना रहता तो आज सभी लोग जान रहे हैं। हम लोग खेल विभाग से भी जुड़े हुए लोग हैं, और अपने गांव में खास करके जहाँ तक मेरी सीमित थी, ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं पैसे को कमा कर लुटाता हूँ, मैं जो जरूरत लगता है किसी गरीब का, जो बीमारी के माध्यम से हो, चाहे कहीं पूजा वगैरह हो रहा हो, भगवान की आस्था है, तो वहाँ हम लोग जो है ज़रूर सहयोग करते हैं, और हम सहयोग क्या करेंगे, उनकी कृपा होती है, हम सहयोग करते हैं। मैं अपनी कमाई का वर्तमान में, आज से नहीं, मैं 1.5 बरस से मैं जो हूँ 15% अपनी सैलरी का हम निसहाय व्यक्ति चाहे जिस फंड में हो मैं खर्च करता हूँ, और कोई लोग कि मेरे माध्यम से कम 100 लोग नौकरी करे सरकारी, उसका घर खुश रहे, वो दिन समझ लेंगे कि हम भी सरकारी नौकरी पा लिए, यही मेरा लक्ष्य। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद सर आपका। देखिए, मेरे साथ थे धनकौल पंचायत में हैं, और धनकौल पंचायत के चुनचुन जी हैं जो माला देवी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मुखिया प्रत्याशी के रूप में, और उन्होंने एक ही लहजे में एक ही शब्दों में कह डाले पंचायत वासियों की कि मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, जो सरकार का फंड है वो हम ला करके जनता को देंगे, और ना कि मेरे पास है वो हम ला करके उनको देंगे। जो भी सरकार का फंड मेरे तक पहुंचेगा वो जनता के पास डायरेक्ट पहुंचाने का काम करेंगे, लेकिन जनता हमें एक बार अपना एक एक आशीर्वाद देने का काम करे, क्योंकि अभी नहीं बल्कि से पहले भी पड़ते चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन अभी तक अव्वल रैंक नहीं ला पाए हैं क्षेत्रों के लोगों के लिए। लेकिन इस बार अगर मौका देती है जनता तो जितने भी काम हैं, भ्रष्टाचार से मुक्त हो या जो भी काम हो, पंचायत में करने का हम काम करेंगे। तो बने रहिए बिहार के साथ, बिहार के लिए बेगूसराय से।